मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिया कि आम जनता के सुगम आवागमन के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों के भीड़ वाले रूटों का चिन्हीकरण कर उस पर नगरीय बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। इसके साथ ही पार्किंग एवं इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग प्वाइंट नौसर सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर बनाए जाए। उन्होंने कहा कि बसों को सड़क पर ना खड़ा किया जाए बल्कि उसे बस स्टेशन के अंदर ही खड़ा किया जाए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने कहा कि महानगरों में शहरी परिवहन की समस्या के परिप्रेक्ष्य में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया है। पार्किंग विकसित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए कि नगर निगम चयनित स्थलों पर प्रमुखता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने शहर के अंदर सड़कों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्य योजना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टिकट चोरी को रोकने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक मार्ग चेकिंग कराई जाए तथा बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर दंड स्वरूप पेनाल्टी लगाई जाए। शासन द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों में नगरीय निकायों से संबंधित अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। जन सामान्य के हितार्थ एवं लोक कल्याणार्थ शासकीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। आम जन के हित के लिए समग्र रूप से क्रियान्वित की जाने वाली शासन की नीतियों कार्यक्रमों परियोजनाओं को लक्षित किया गया है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जाना है। नगरीय परिवहन की बसों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं की दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में बताया गया कि मृत यात्रियों के आश्रितों को 50,000 रुपये, घायल यात्री को 5,000 तथा गंभीर रूप से घायल यात्री को 20,000 रुपये की तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, RTO अनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें 4 महीने का अभी 30 दिसंबर 2021 से ऑडिट तो कराया ही जाएगा सर, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। DM और SSP चेंज हो गए हैं, उनके नाम की जगह इस जो है मंडल में ठीक है चेंज करने के लिए सर, ये भी अनुमोदन के लिए। तो मैंने अभी जैसे लोगों से बात की, स्थिति ये यहाँ सर किसी चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भी आया है। बाकी कई लोग हैं गोरखपुर में, वैसे तो या तो हम विज्ञप्ति टाइप जारी कर पाएंगे। फिर CAG में एक जो है फर्स्ट ऑडिटर द्वारा ही ऑडिट होना है। हाँ ठीक है, इसको पत्राचार करना है सर, ये करवा लीजिए, इसको CAG के लिए लिख दीजिए। ठीक है, जो भी हम लोगों करा है वो ऑडिट CAG के माध्यम से ही करा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, पत्रकारों, दिव्यांगों, विशिष्ट वाले जो है, इसके अलावा ये 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वगैरह, इस तरह की सर। इसमें पहले जो नियम रोडवेज में चल रहे हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है वही अप्लाई हो, लेकिन शासनादेश है तो उसमें आप लोग अब ये तो ठीक है। इसमें शासनादेश क्या है, ये सब है लगा हुआ इसके बाद में आगे लगा सकते हो। अजीत सिंह संयुक्त निदेशक इनका भी है, तो नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक साहब जो है उनका भी सब लगा उसमें यात्री सुविधा उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। इसमें क्या डिस्काउंट है या नहीं, तो फ्री है। फ्री, हाँ। स्वतंत्र संग्राम सेनानी तो गिने चुने लोग रह गए हैं, दिव्यांग वगैरह और केवल कोशिश के जो है। इसमें सर आदेश भी है सर, सही भी है सर, आगे ठीक है, आगे कर इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हमारे जितने भी एक्सीडेंट हो जाता है तो सर इसमें भी रोडवेज वाले इसमें भी रहता है। हाँ ठीक है, ये लागू होगा सर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये आ जाता है रोडवेज के, नगर निगम के और पुलिस विभाग के, क्योंकि रोडवेज का तो ठीक है उनके जो रहता है स्टाफ जो है उनको निःशुल्क वाली रहता है, नगर निगम या पुलिस विभाग वालों को आप फ्री करना चाहें सर। तो इसमें क्या जीव हो रहा है,
अब जियो तो जियो तो उसका कुछ सर इसमें हम लोग को जैसे रोडवेज में है तो रूप से तो वैसे सर वो कोई ले जा अंदर बात है लेकिन सर वैसे पास सिस्टम आ गया सर और ये सर अदर डिपार्टमेंट्स का है तो इसलिए और जगह भी नहीं है सर नहीं है और जगह